गुजरात में 5 गारंटी। पहली गारंटी, गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपके घर पास, माँ बाप के पास पैसा है, आप अपना प्राइवेट स्कूल में भेजो, लेकिन अगर आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो पैसे की कमी आपकी शिक्षा के बीच में नहीं आएगी। आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, ये हमारी गारंटी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उसकी तैयारी चल रही है, स्कूल ठीक करने की सारी तैयारी चल रही है पंजाब के अंदर। दूसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कच्छ में स्कूलों की कमी है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे और मौजूदा सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, इतने अच्छे बनाएंगे। दिल्ली के स्कूल आप जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं दिल्ली के स्कूल, उनका हमारा सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, उनकी शानदार बिल्डिंग, क्लासरूम, उनके डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में अब कोई जाना नहीं चाहता दिल्ली में। गुजरात में भी ऐसा ही करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से शानदार बनाएंगे। तीसरी चीज, सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा, जो ने पैसे ज्यादा ले रखे हैं पैसे वापस कराएंगे आपके, और कोई किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग करते हैं ना कि किताबें खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी, ये पंजाब में भी हमने खत्म कर दिया, दिल्ली में भी खत्म कर दिया, किताबें कहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म कहीं से खरीदो, इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, अपने स्कूल से खरीदते, वही धंधा बना रखा है, किताबों का भी धंधा बना रखा है, यूनिफॉर्म का भी धंधा, ये बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी बंद कर दिया, अब गुजरात में बंद गया। चौथी गारंटी, बहुत सारे कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, विद्या सहाय, बहुत कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं, सबको पक्का करेंगे। टीचर्स को इज्जत मिलेगी, टीचर्स को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, सिक्योरिटी देंगे, उनके जॉब की सिक्योरिटी देंगे, तभी तो वो अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। जितनी वैकेंसीज हैं टीचर्स की, वो सारी तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल खोले जाएंगे बहुत वैकेंसीज निकलेगी टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, बहुत वैकेंसीज निकलेगी, सारी वैकेंसी, बहुत बच्चों को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर, बहुत स्टाफ को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर। अगर हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो 25 से 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, उतने बड़े स्केल के ऊपर हम टीचर्स की भर्ती करेंगे। और पांचवीं, किसी भी टीचर को किसी भी दूसरी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में भी बंद कर दी हमने, पंजाब में भी बंद कर दी हमने। इसके अलावा मुझे बताया गया विद्या सहायक हैं बहुत सारे, उन विद्या सहायकों के बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे बताया गया कि टाइम पे टीईटी नहीं होता, टीएटी नहीं होता, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट भी नहीं हो तो भर्ती नहीं होती, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, 3 महीने रह गए, जितने विद्या सहायक हैं खूब जम के आम आदमी पार्टी का प्रचार करो। 3 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, आपके सारे मुद्दे ठीक करने की गारंटी मेरी।